ये लो जी, सभी को सायकालीन गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, निवन प्रणाम, राधा स्वामी, सलाम मालिको, जय हिंद और जय भारत। तो जी, अपना तो यही काम है, वो सुबह सुबह ही एक इधर जो कल परसों कालू का वीडियो दिखाया था उसके घर का, वो बाबी जी की तबीयत ख़राब हो गई थी और वो कालू घर पे नहीं था, तो उनका फ़ोन आया था, बोले प्रदीप जी आओ, खेतरी चलना है, दवाई लेके आऊँगे, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही, तो उनको खेतरी लेके गए थे। फिर मैंने वहाँ से सब्ज़ी खरीद ली, मम्मी बोली गाजर लेके आना, फिर उन्होंने वो गाजर वापस दिला दी, बोले गाजर मत लेके चलो, हमारे बो रखी हैं। मैं बोले मैंने तो ले ली, बोले नहीं वापस दो इसको दुकानदार को, ये देखो एक मिनट में खेत में गाजर बो रखी है, मटर बो रखी है, बोले वहाँ से ही लेके जाना। उस वैसे तो बोल रखा था उन्होंने, ले जाना ले जाया करो ले जाया करो, फिर आज खेतरी चले जाते हैं तो ले आते हैं, तो और गाँव में सुख क्या है, यही तो सुख है, मज़ा है, तो चलो लेके आते हैं सब्जी, गाजर और मटर। तो ये देखो जी, ये बो रखी है मसूर, चना थोड़ी ये, क्या घेघरी तोड़ो आगे, ये देखो मसूर की खेती है ये इधर तक खूब, हमारे ये एरिया में मसूर भी बहुत बढ़िया होती है। और ये मसूर से आगे है मटर, ये देखो मेथी, हाँ क्यों है पाछ और मैं कट जाऊं मजूरी करवा, कट जाऊं बताओ मजूरी का, मतलब मजूरी तय करो और मैं वीडियो बनाऊं, और बता गाजर देखो छोटी छोटी गाजर पड़ रही है, वाण के खोदी खोदी कोंदी थे ढंग से, नहीं देनी चाहिए ना, ये है हमारे भाई साहब देख लो जी, बीड़ी पे आओ भाई साहब, बीड़ी पे तो देख रहे हैं, बीड़ी पे आओ, अब मेकड़ा से पे आओ भाई बीड़ी। और ये देखो गाजर पाड़ पाड़ के गिर दी सगड़ी, के बाद आता बीड़ी को नाम लेता है बीड़ी बड़ा की, देख लो जी गलत बात है। और ये बारे की इस साइड में गाजर वीडियो बना रही है, बड़गो वीडियो कौन है बढ़िया, अच्छा आया आया हट कर लियो, फिर मजा में तो ये काम करी बंद कर। तो ये मजा हमारा भाई साहब का देख लो जी, ये देखो गेट तरीक को देख, गेट खुल जाए बढ़िया, कौन खुला है नया आदमी से, बंद करिए, राम 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 राम, ये वहाँ जी देखो तम्बाकू, तो ये देखो जी वहाँ से आ गए हैं और मटर और गाजर लेके आए हैं, अब कम से कम भी 2-3 किलोमीटर हैं, आराम से बच्चे भी खा लेंगे गांव में, मतलब ये है ना कि गांव के अंदर बस कोई पड़ो कोई आदमी ने कुछ सब्जी उगा ली, कोई ने कुछ उगा ली, तो सब इधर से उधर ले जाते हैं और सब का काम चल जाता है, बाज़ार से तो खरीदनी बहुत ही कम पड़ती हैं। देखो ताज़ा मटर है एकदम, तो लो जी चलते हैं, शिवांश और नैनी ट्यूशन गए हुए हैं, उनको लेके आता हूँ। और कुछ लोग तो पता नहीं यार उन लोगों का माइंड मतलब किस चीज़ का बना होता है, पता ही नहीं लगता। अभी कल जैसे हम जयपुर जा रहे थे तो आपने देखा होगा उस क्लिप में, मतलब मैं बैठा था, मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी और रेनू सो गई थी क्योंकि उसको वोमिट आती है, तो वो सो गई मेरे मतलब यहाँ पे कंधे पे उसका सर था, तो
उस क्लिप के लिए अन्नू यादव के नाम से वो कमेंट में स्क्रीनशॉट लगाऊंगा पक्का। तो उनको देखो, उनकी मतलब सोच, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनको सिर्फ खुराफात ही, गलत चीज़ ही नज़र आती है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, उनका कमेंट क्या है कि देखो ये लेडी पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, पूरी बस में आदमी है और ये इसको शर्म नहीं आती ये किस तरीके से अपने हस्बैंड के ऊपर लेटी है। तो यार एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती, बस के अंदर अगर मान लो वो तो मैं था यार, उसका हस्बैंड था, उसमें क्या शर्म की बात है, कोई भी होता है भाई, भाई बहन जा रहे हैं तो बहन को नींद आ जाए तो भाई के सिर ऊपर से टिक जाता है और भाई बहन को आ जाए तो भाई के ऊपर, मतलब सिर टिकना कौन सी इसके अंदर बड़ी बात हो गई। और सेकंड नंबर, भाई बहन और हस्बैंड वाइफ से ही मतलब नहीं है यार, वो तो हमारे साइड में तो ट्रेन चलती नहीं है, हमारे तो बसें ही चलती हैं। तो बस के अंदर बहुत बार ऐसे हो जाता है कि तीन वाली सीट पर जब भीड़ होती है तो चार सवारी भी बैठ जाती हैं, और फिर जैसे मान लो मैं बैठा हूँ, मेरे बाजू में कोई सी साइड में भी लेडीज़ बैठी है तो कौन सी बड़ी बात हो गई यार, उसमें नींद आ जाती है और लेडीज़ का सिर नींद आएगी तो उसको ये पता थोड़ी रहता है कि कौन बैठा है या किधर बैठा है क्या नहीं है। हमारे साथ, मेरे साथ तो खुद की देखी हुई, बहुत बार होता है ऐसा और सिर टिक गया नींद में तो कौन सी बड़ी बात हो गई यार इसमें। लेकिन उन लोगों को सिर्फ बकवास, मतलब ऐसे समझ लो कि एक दो कमेंट पहले भी आए थे ऐसे, एक या दो ही हैं जो कि मेरे साथ मतलब रेनू है, तो उनको इतनी चिढ़ होती है पता नहीं क्यों यार, इसमें कौन सी शर्म की बात। पिछली बार तो बहुत खतरनाक कमेंट था, मेरे दिमाग से निकल गया क्या था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैं तो ये सोच रहा था वो कमेंट पढ़ पढ़ के, अभी मैं देख रहा था स्क्रीनशॉट तो मैंने सोचा चलो देखते हैं, फिर वो याद आ गया तो मैंने सोचा चलो यार उसके बारे में ज़रूर बनाते हैं एक, कैसे कैसे इंसान है। तो लो जी, माँ जी नहा लिए हैं और कल भी कमेंट आ रहे थे, बोले आजकल माँ जी का आशीर्वाद नहीं मिलता, तो माँ जी अभी दे देते हैं आशीर्वाद। तेरी भाई माँ जी तो था उससे तो बुढ़ा डोकरा हो सकी उम्र दूर बुढ़ा डोकरा सब बड़ा सा बता रही हूँ तो सब भाई बहन छोटा सब से मेरा आशीर्वाद। लो जी माँ जी, यहाँ पे धूप आ रही थी, माँ जी का आधा चेहरा सही दिख रहा था, वैसे दिख रहा है। टाइम हो गया है लगभग 3-4 बज रहे हैं और आपको अभी आज की अपडेट दे देता हूँ आरती के बारे में। क्या अपडेट है बताओ। थोड़ी देर पहले फोन आया जब तू यूँ कह रही थी, वैसे उसमें वार्ड में ले आया उन्हें, उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया है आईसीयू से आज। और के है, और आज नो कह रही थी जब वार्ड में लेके आया ना उसके थोड़ी देर बाद, अब जैसे लेटे लेटे कह रही है मम्मी मैं चलूंगी, मेरे को थोड़ी देर घुमा दो। ठीक है, अब देख लो, जब इतना वो बोले हैं तो आप अंदाजा खुद लगा सकते हो। नहीं, फिर उसने ना पैर हाथ हिलाने की कोशिश की, पैर हाथ हिल नहीं रहे ना। मम्मी ने कहा अभी तेरे में कमजोरी है, उसको ये नहीं पता कि उसको पैरालाइज का अटैक है मतलब। तो मम्मी ने ये कहा उसको कि वीकनेस है, बाद में चला जाएगा। तो ये कुछ हालात है क्योंकि अभी उसको पता ही नहीं है, बताया नहीं गया है कि भाई क्या, उसको याद ही भी नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं है। वैसे सब अच्छे तरीके से पूरी बात कर रही है, और वैसे उसको शक है लेकिन ये नहीं पता कि लकवा हो गया उसको। हाँ, उसको डाउट है बस, विश्वास नहीं है, ओनली शक है। तो वो सब आप सब की दुआओं से, कल भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि दवा से ज़्यादा दुआएं काम करती हैं, तो जी बिल्कुल वही है कि आप सब की दुआएं बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और शायद इन्हीं दुआओं के बदौलत वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से रिकवर होके अपने बच्चों से बहुत जल्दी मिल लेंगे। तो आज की यही है, इसके अंदर लगभग पूरा ही बता दिया है कि जब वो बोले हैं वार्ड में शिफ्ट कर दिया और जब उन्होंने इतना कुछ बोला है तो शायद सबकी दुआएं बहुत तेज़ी से असर कर रही हैं, माता रानी की, भगवान की, सब की बहुत अच्छे से हो रहा है। तो जी चलो पता है, एक मिनट रुक लो,
जब ये बाबू होने वाला था ना, ये बाबू होने वाला, हाँ बाबू हो गया था, उस दिन से अगले दिन जब आरती लेटी हुई थी तो पता है यशु को सुबह से एक टेंशन हो रही थी। वो अपनी मम्मा के पास आके कह रही थी, मम्मा आप कब उठोगे? तो उसकी मम्मा बोली कि मेरे को बेटा थोड़े दिन बाद में उठूंगी मैं, तब तक लेटे रहना है। जो कह रहे मम्मा मेरे को पोटी कौन कलाएगा, मतलब के मम्मा मेरे को पोटी कौन कलाएगा, और तो सारे काम कर लूंगी लेकिन पोटी तो मैं आपके ही साथ करूंगी। तो भाई बच्चों की तो बात सुन के बहुत वो होता है, लेकिन उन्हीं बच्चों की दुआओं के साथ साथ आप सबकी दुआएं भी बनी रहें। तो चलो मिलते हैं कल नए व्लॉग में, और जो भी ताज़ा अपडेट आएगी वो बीच में मैं आप सबके साथ में शेयर कर दूंगा। तो जी बाय, राम राम, सब टेक केयर, अपना ध्यान रखना जी।